अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेशिया। पाकिस्तान में गैस निकल आई है, पाकिस्तान में तेल निकल आया है। इमरान ख़ान के मुख्तलिफ ऐलानात, पाकिस्तान 3 हफ्ते में अमीर हो जाएगा। आप परेशान ना हों, एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ऐसे ऐलानात वक्तन फवक्तन हम सुनते आ रहे हैं और पाकिस्तान में अब तक कोई वाज़े तौर पर सरकारी ऐलान नहीं हुआ। आया ये ऐलानात जो है वक्तन फवक्तन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से क्यों होते हैं और कैसी खबरें कौन देता है कि पाकिस्तान अमीर होने वाला है, इस मौजू पर हम आज बात करेंगे और तफसील मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में गैस और ऑयल निकलने में कितनी देर है और क्या वजूहात हैं कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से आने वाले वक्त तक मैं आपको वक्तन फवक्तन ऐसी खबरें देता रहूँगा। तो बात शुरू करते हैं पाकिस्तान में गैस और तेल के ज़खायर के हवाले से। गैस और तेल के ज़खायर जो कि निकलने के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको बता चलूँ ये जो ज़खायर हैं ऑयल और गैस के, जो पाकिस्तान ऑयल एंड गैस डिस्कवरी जो एक बहुत बड़ा मौजू बन चुका है, ये ज़खायर कराची की समंदरी हदूद में एक ड्रिलिंग के तहत जो है काम चल रहा है, जो कि दुनिया की 4 ऑयल और गैस कंपनीज़ जो कि पेट्रोलियम कंपनीज़ है, पेट्रोलियम एंड गैस कंपनीज़ जो है काम कर रही हैं। इन कंपनीज़ के हवाले से मैं आपको बता चलूँ, ये कंपनीज़ जो कि 2 पाकिस्तानी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं जो इस काम में, इस ड्रिलिंग में शामिल हैं, जो कि OGDC और PPL। इटली की एक कंपनी है ENI और एक्जोन कंपनी जो के ख़बरों में काफ़ी हद तक मौजूद है, जो USA से यानी कि अमेरिकन कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी जो है ये ड्रिलिंग का काम कर रही हैं, जो कि कराची की समंदरी हदूद में, जो कि समंदरी गहराई में जो है ड्रिलिंग करने के बाद जो है पाकिस्तान को अमीर बनाने का और अपनी कंपनीज़ को दुनिया की अव्वल तरीन कंपनीज़ बनाने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने आया समंदरी हदूद का ही चुनाव जो है इन कंपनी को करके क्यों दिया। पाकिस्तान मजबूर है कि बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों को, बलूचिस्तान को ये ऑयल और गैस की डिस्कवरी के लिए और इनकी ड्रिलिंग के लिए जो है ठेके पर जो है नहीं दे सकता और कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान मुआहदे में मौजूद है और जिसके तहत पाकिस्तान वहाँ पर बिल्कुल भी गैस या ऑयल या सोना निकालने का काम नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने चुनाव किया समंदरी हदूद का। कराची जो कि वैसे ही पहले ही इकोनॉमिकल हब है, पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर कराची, अब पाकिस्तान को अमीर करने के लिए कराची की ही समंदरी हदूद, समंदरी जो जगह है उसको चुना गया, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज़रख़ेज़ तरीन जगह अगर बलूचिस्तान के बाद कोई है तो वो कराची की समंदरी हदूद है, जहाँ पर ड्रिलिंग जारी है और इस ड्रिलिंग के तहत जो है पहला ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, जिसमें तकरीबन 5400 मीटर खुदाई की गई और 5400 मीटर खुदाई के बाद जो है उस जगह को मजबूरन बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो है काफ़ी जो है खुदाई के वक्त जो है गैस के लपेटे आए और वाकईतन उस जगह से, उस जगह की खुदाई के बाद ये पता चल गया कि यहाँ पर गैस और ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं, मगर उस जगह को अगर बंद नहीं किया जाता तो वो काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात कर सकती थी और मुश्किल पेश आ सकती थी उन गैस कंपनीज़ को, अपनी मशीनरीज को वापस लेकर जाने में काफ़ी मुश्किलात होती। फौरी तौर पर उस जगह को बंद किया गया, फिर दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर दोबारा से उस जगह को देखना और जांचना शुरू किया गया और बिल्कुल तकरीबन उस जगह के बिल्कुल करीब ही दोबारा से ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक पहली ड्रिलिंग के बाद अंदाज़ा कर लिया गया
कि तकरीबन 5,500 मीटर यानी कि 5,500 मीटर के बाद मालूम हो सकेगा कि ये जगह हमें कुछ दे सकती है या नहीं, क्योंकि 5,400 मीटर पे मालूम हो चुका था कि जो है इस जगह पर गैस और ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं, मगर वहाँ पर जो है मिट्टी के बहुत बड़े बड़े लपेटे आने शुरू हो गए, इस वजह से उस जगह को बंद करना पड़ा और अब दोबारा से उस जगह के ही करीब जो है खुदाई का सिलसिला, ड्रिलिंग का सिलसिला जारी है। 3,700 मीटर तकरीबन 3,700 मीटर से ज़ायद की ड्रिलिंग हो चुकी है। इन चारों कंपनीज ने जो है इस ड्रिलिंग का अमल जारी रखा हुआ है और अभी तकरीबन बहुत करीब हैं कि जो है एक बेहतर ख़बर या मुकम्मल ख़बर आने में कि जो है पाकिस्तान में आया गैस और ऑयल के ज़खायर निकल सकते हैं या नहीं। मौजूद तो हैं उस जगह पर, आया उस जगह को, उस ज़खायर को निकालने के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एक ऑपरेशन नाकाम हो चुका है क्योंकि उस जगह पर गैस भी मौजूद थी, ऑयल भी मौजूद था, मगर वहाँ पर इतना प्रेशर मौजूद था कि उस जगह को यूज़ नहीं किया जा सकता था। अगर जो है दोबारा जिस जगह पर खुदाई की गई है अगर वहाँ पर प्रेशर नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल या गैस देने वाला मुल्क बन जाएगा। और अगर पाकिस्तान में गैस या तेल में से किसी भी एक चीज़ के ज़खायर निकल आए जो के कारामद हों और जो है ऑपरेशंस में आ जाए, तो पाकिस्तान के तमाम तर जो मुआशी जितने भी बहरान हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो है तकरीबन अगर कोई कंपनी किसी भी जगह पर ड्रिलिंग के लिए जो है काम करने का अमल शुरू करती है तो सबसे पहले वहाँ पर जांच करती है, कंफर्मेशन के बगैर कहीं पर भी काम नहीं किया जाता। और कंपनीज ने सबसे पहले कंफर्मेशन की, $80 मिलियन इन चारों कंपनीज की जानिब से जो है इस ऑपरेशन में, इस ड्रिलिंग में जो मुकम्मल अखराजात हैं तकरीबन $80 मिलियन के अखराजात जो है इन चारों कंपनीज को बराबरी की बुनियाद पर जो है उठाना पड़ रहे हैं। और अगर जो है इस खुदाई में, इस ड्रिलिंग में, इस ऑपरेशन में और इस मुआहदे में कोई भी नाकामी होती है तो पाकिस्तानी हुकूमत को सिवाय एक नुकसान के मायूस कुन ख़बर है पाकिस्तान में तेल या गैस के ज़खायर नहीं निकले और कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इन कंपनीज़ को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। तो ये कंपनीज़ कोशिश करेंगी कि इन जगहों पर जो है गैस के भी ज़खायर निकलें, ऑयल के भी ज़खायर निकलें, और अगर पाकिस्तान में इन ज़खायर के निकलने की अच्छी खबर आई तो अगली बारी है पाकिस्तान में सोने के बड़े बड़े ज़खायर निकलने के हवाले से ड्रिलिंग शुरू होगी और हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में उन मुआहदों पर जो बलूचिस्तान में हो चुके हैं उन पर दोबारा नज़रसानी करे, दोबारा से उन मुआहदों के पेपर्स जो है निकाले जाएं और उन मुआहदों को ख़त्म कराने के हवाले से कुछ ऑफर्स दी जाएं, उन जगहों को जो है दोबारा से बहाल कराने के हवाले से कुछ ऑफर दी जाएं। तो इस पर भी हम आने वाले वक्त में एक बड़ी ख़बर सुन सकते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की जानिब से जो है मज़ीद कुछ सोने के ज़खायर, ऑयल के ज़खायर निकलने के हवाले से हम सुन सकते हैं कि बलूचिस्तान में, और अगर बलूचिस्तान में उन मुआहदों को बिल्कुल जो है रिलीज़ करवा दिया गया तो कोई ऐसी दो राय नहीं कि पाकिस्तान सोना, गैस या ऑयल इन तीन में से किसी एक के बड़े ज़खायर निकालने में कामयाब
ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے موضوعات یا اس طرح کے مزید موضوعات میں آپ کے لیے لے کر آتے رہوں اور ایسی خبریں میں آپ کے لیے لے کر آتے رہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ کامنٹ باکس کا ضرور استعمال کریں، کامنٹ باکس میں کامنٹس کریں تاکہ ہمیں معلوم ہوتے رہے کہ آپ مزید معلومات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لاتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا۔